दोस्तों, हमारी धरती खतरे में है, जिसके जिम्मेदार हम इंसान हैं। हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, फिर भी हम सुधर नहीं रहे हैं। हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा है, हमारी लाइफ कम हो रही है। अगर हम समय रहते हुए नहीं सुधरे तो जल्द हमारा विनाश नजदीक आ जाएगा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है, बहुत बड़ी चेतावनी है, पूरे विश्व को चेतावनी दी है। जब से ये खबर आई है, हर जगह तहलका मच गया है, हर कोई हैरान है। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग बनने वाली है और काफी समझने वाली बात है, तो टाइम निकाल कर वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फटाफट दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच जाए। 10,000 लाइक आना चाहिए इस वीडियो पर। और दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, धरती पर लगातार बढ़ते तापमान को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है। अब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से भी इसको लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके मुताबिक सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 2.7 डिग्री सेल्सियस के प्री इंडस्ट्री लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 प्री इंडस्ट्री लेवल के नीचे ही रहना चाहिए, तभी पर्यावरण पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएगा। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर 2.7 डिग्री सेल्सियस की बात कही जा रही है, जो कि काफी ज्यादा है 1.5 से। इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि धरती जिस रास्ते पर बढ़ रही है वो विनाशकारी है। उन्होंने कहा कि 6 साल पहले पेरिस समझौते में तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य बनाया गया था, लेकिन हालात बता रहे हैं कि समझौते का उल्लंघन हो रहा है। अगर हालात यही रहे तो फिर धरती पर जीवन और जीवन जीने के साधन दोनों पर खतरा है। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे उपाय करने होंगे जिससे धरती का तापमान सामान्य स्तर पर रहे। अब हमारे पास ऐसा करने के लिए बहुत ही कम समय बचा है। धरती को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी की जाए, तभी आधी सदी तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य पूरा हो पाएगा। फिलहाल जिस हिसाब से विभिन्न देशों में कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, उससे 2030 तक 2010 की तुलना में इसमें 16% का इजाफा हो जाएगा। अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो सदी के अंत तक हालात बहुत ज्यादा भयावह हो जाएंगे। अगस्त में आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल टेम्परेचर पहले ही 1.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा कि इसके लिए सभी देशों को एकजुट होकर प्रयास करना होगा। तो दोस्तों, बड़ी खबर है, हमारे लिए खतरा है, हमें सावधान होकर चलना होगा, अपने एनवायरमेंट को हमें बचा कर रखना होगा। जो गलतियां हम कर रहे हैं उसे हमें छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।